वेलकम टू आवर शो क्रिएटिव किड. मैं हूं आपकी होस्ट राफिया आपी और मेरे साथ फिर बहुत सारे क्यूट क्यूट बच्चे मौजूद हैं जिनके साथ हम करने जा रहे हैं बहुत मजे मजे की एक्टिविटीज. उनके साथ कुछ शेयर करेंगे, कुछ नॉलेज भी शेयर करेंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे, अपनी स्टोरी भी बताएंगे, कोई ना कोई क्रिएटिव चीज भी हम क्रिएट करेंगे. इसके साथ साथ स्टोरी भी हमारी ऐसी होती है कि उसमें कोई ना कोई लेसन होता है, फिर इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐसी होती है जो कि मुझे लगता है कि सब बच्चों को पता होनी चाहिए. तो जितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं और जितने बच्चे इस वक्त हमको टीवी पर देख रहे हैं, आपका ये आधा घंटा जो है बहुत अच्छा होने वाला है. बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है और वो इंपॉर्टेंट शर्त यह कि बेटा किसी को चैनल नहीं चेंज करने देना. चाहे बीच में ऐड जाए, चाहे बीच में ब्रेक आए, प्लीज कोई चैनल मत चेंज करे. ठीक है जी. ये तो आज की अच्छी बात जो है ना बच्चों, सब सुन रहे हैं ना? कितने बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं? आप सब लोग स्कूल जाते हो? आप लोग इस लफ्ज से, आपको पता है ये लफ्ज क्या होता है? बुलिंग, किसी को तंग करना. जब हम स्कूल में जाते हैं तो कोई दूसरा बच्चा हमें तंग करता है, हमसे कभी सीनियर बच्चे जो पहले से उस स्कूल में पढ़ते आ रहे होते हैं वो कभी कभी तंग करते हैं. नया बच्चा आया, चलो उसको तंग करते हैं, इसका लंच खा जाते हैं, या चलो उसको कुछ सजा देते हैं, या कुछ होता है. किसी के साथ हुआ अभी तक? आप करते हो ये? आप करते हो ये? क्या बात. अच्छा, तो आज मैं यही बात जो है वो समझाने वाली हूँ कि जो चीज़ हमको कभी कभी मजाक में लगती है, हमें वो चीज़ लगता है कि खेल है, मजाक है, टाइमिंग के लिए है, वो चीज़ कभी कभी किसी के लिए पूरी ज़िंदगी का एक ट्रॉमा बन के रह जाती है. जैसे हम किसी को छेड़ते हैं किसी नाम से, अरे छोटू, अरे मोटू, ओ फैट्सो, या समथिंग, यू नो, या फिर हमने उसको किसी कॉम्प्लेक्शन पे उसको तंग किया, या हमने उसको बुली किया और हमने उसका लंच खा लिया, हम उसको तंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से तंग कर रहे हैं ना, करते हैं ना, बच्चे बहुत करते हैं. या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उसको जानबूझ के चलते फिरते उसके टांगे अड़ा दी ताकि वो गिर जाए, इस तरह की चीज़ें, उसकी यूनिफॉर्म गंदी कर दी, उस पर इंक फेंक दी, कुछ ऐसा कर दिया कि बस वो बच्चा तंग हो जाए. वो आपके लिए ज़रूर मजाक होता है और वो उस वक्त जो बच्चे कर रहे होते हैं वो उनके लिए मजाक होता है, लेकिन जिसके साथ हम करते हैं वो उसके लिए मजाक नहीं होता. वो बहुत अपसेट हो जाता है और कभी कभी वो इतना अपसेट हो जाता है, इतना अपसेट हो जाता है कि अभी तो वो छोटा बच्चा है, जब वो आगे जाके बड़ा होगा ना तो उसकी ज़िंदगी पे उसके असरात होंगे. उसकी आगे की ज़िंदगी जो है आपके उस छोटे से मजाक की वजह से ख़राब हो सकती है. तो आज के बाद आप लोग किसी को तंग नहीं करेंगे, प्रॉमिस करें मुझसे, प्रॉमिस. और ये जो मुझे बड़े मजे से बताओ तो मैं करता हूँ, तो अब तुमने कोई ऐसी शैतानी नहीं करनी. ठीक है, इसी के साथ हम अब अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं जहाँ हम कुछ क्रिएटिव बनाते हैं. हमारे आज पहले क्रिएटिव किट का नाम क्या है? क्या नाम है बेटा आपका? अनम. अनम, अनम आपकी एज क्या है? 9 साल की हो और इस तरह की चीजें बनाती रहती हो घर में भी? बनाती रहती हो. चलो भाई, तो हम अनम से भी सीखेंगे. और हमारा दूसरा क्रिएटिव किड है हमारे साथ अंशरा. अंशरा, अंशरा का क्या मतलब हुआ बेटा? हैप्पी. हैप्पी, चलो वेरी नाइस. आपकी क्या एज है? 9 ईयर ओल्ड. आप भी 9 ईयर ओल्ड हो, आपको भी क्रिएटिविटी का शौक है? जी, मैं अपना घर पे भी बनाती रहती हूँ. आई, सो स्वीट. तो हम कुछ अंशरा से भी सीखेंगे और अनम से भी सीखेंगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि हम क्या बना रहे हैं. अच्छा, बड़े मजे की हमारे पास, और ये मैं आपको भी बता दूं, इसके लिए सबसे पहले आप किसी भी कलर का पेपर ले लें जो आपके पास अवेलेबल है, किसी भी कलर का पेपर ले लें. बल्कि मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, आप इसके लिए अखबार भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी भी अगर आपके घरों में अखबार आते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. आपने इसमें एक पट्टी काटी ऐसी लंबी और उस पट्टी को पकड़ के ऐसे टर्न कर दिया और यहाँ ग्लू लगा ली और इसका ये एक हैट सा बन गया. देखिए, ऐसे हैट बनने के बाद हम इसमें जो दूसरी शेप काटेंगे वो शेप आप लोग जरा देख लीजिए, वो होगी जी आपने जैसे माउस के दो कान, क्योंकि हम चूहा बना रहे हैं आज, तो चूहे के दो कान ऐसे करके. वेरी नाइस, मैं अपने आपको भी कह रही हूँ वेरी नाइस. और फिर यही एक ट्रायंगल जो है ऑल द वे नीचे जाएगा. कभी हार्ट बनाया आप लोगों ने? हार्ट तो बनाया होगा ना, हार्ट की शेप पता है ना? तो हम इसके बीच में जी एक हार्ट शेप बनाएंगे ऐसे करके, और ये जो है यहाँ तक और इसको यहाँ तक. अब ये हाथ आ गया हमारे पास. ठीक है, मैंने ऐसा हाथ बनाया क्योंकि वो चूहे को ज़्यादा सूट करेगा. अब मैं हाथ काट लूँगी इसी पेपर में से या जिस भी पेपर से आप काम कर रहे हैं. मैंने वो हाथ काट लिया और जो सर्कल बनाया था, जो टोपी अभी हमने बनाई थी,
उसके ऊपर हमने इसको ऐसे लगाकर, अब ये क्या लग रहा है, अभी लग रहा है कि शायद चूहा बन सकता है आगे, है ना, बॉक्स बनी भी बन सकता है, नहीं देखो बन सकता है ना, है ना, रैबिट भी बन सकता है, लेकिन हम आज इसका इसमें चूहा बनाएंगे जी। अब आपने थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट वाला काम करना है, क्योंकि एक कलर होगा आपके पास, मेरे पास जैसे पिंक है, इनके पास ब्लू है, आपके पास भी ब्लू है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें एक कान का शेड देना होता है, आपने देखा है चूहे के ऐसे ऐसे कान होते हैं, तो कान का शेड होता है, तो जी वो कान का शेड बनाने के लिए हम कोई और कलर लेंगे। आप अगर वाइट यूज कर रहे हो तो आप ब्लैक ले लें, ब्लू ले लें, ग्रीन ले लें, ऑरेंज ले लें, और इसमें आप ऐसे सर्कल्स काटेंगे, दो छोटे छोटे सर्कल्स, जिससे आप अपने कान का शेड बनाएंगे। चलो बेटा आप लोग के पास रेडी है। अच्छा भाई, ये होने के बाद हम क्या करेंगे कि इस सर्कल पे लगाएंगे ग्लू, और हम इसको अपने कान के उस पे एज अ शेड लगा देंगे। वेरी नाइस, मैं अपने आप को कह रही हूँ वेरी नाइस, ऐसे ही होता है, क्योंकि ये एक्टिविटी करते हुए मुझे इतना मजा आता है यार, तो मैं सोची आप लोग भी जब कर रहे होते होंगे तो आप लोगों को भी कितना मजा आएगा, तो जरूर इसको ट्राई कीजिए। ये देखिए जी, ये बन गए हमारे कान। लग गया आपका भी, आपका बना बेटा, वेरी नाइस, हम सबके कान बन चुके हैं। अब हमें बनानी है दो आंखें, छुआ बगैर आंखों के कैसे चलेगा, तो जी हमने दो सर्कल फिर काटे व्हाइट पेपर में से, और उनको आधा आधा कोने से ब्लैक कर लिया, जिससे लगेगा कि आंख है, देखो यू हैव इट, दिखा, वेरी नाइस। अब हम इससे चूहे की आंखें बनाएंगे, तो ये हमने दो सर्कल काट के इनको आंखों की शक्ल देकर, अब हम इसको चिपकाते हैं जी अपनी इस ग्लू से, कोई भी ग्लू जो आपके पास मौजूद हो, कोई भी ग्लू, वो लिक्विड ग्लू भी हो सकती है, बाय द वे आपके पास लिक्विड ग्लू भी हो सकती है, मेरे पास इस वक्त स्टिक वाली ग्लू है, आप लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब इजीली अवेलेबल है, और बच्चों के पास तो मुझे लगता है ये चीज़ें होती ही हैं उनके स्टेशनरी बॉक्स में। अब मेरा जो चूहा है ना, उसको नींद आ रही है, देखो उसकी आंखें मैंने उल्टी लगाई हैं, है ना, लेकिन आपकी मर्जी है, आप अपना चूहे को कोई भी फनी शक्ल दे सकते हैं। अगर आप यही नीचे ब्लैक, इसका ये पार्ट आप ब्लैक नीचे की तरफ करते तो वो एक हंसता हुआ चूहा होता, अंदर की तरफ करते तो वो एक परेशान चूहा होता, और आपने बाहर की तरफ करना है तो वो एक अजीब कंफ्यूज सा नींद में एक चूहा लग रहा है ना, आप कितनी वेरिएशन इसके साथ दे सकते हैं। इसके बाद आपने चूहे की सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज उसके फेस पे क्या होती है, नाक, और नाक में से निकले भी उसकी मूछें। अच्छा, अब हमें वो नाक और वो मूछें बनानी है, जो कि यूजली ब्लैक कलर की होती है। अगेन, अगर आपके पास ब्लैक कलर नहीं है तो आप व्हाइट पेपर लेकर उसमें काला रंग भर के उसमें एक सर्कल काटे, और इसी तरह की जैसे हम आपको हमेशा दिखाते हैं पतली पतली सी काटी हुई, ऐसे काट के इसको बना लें, चिपका लें सब ग्लू से। आपका भी बना हुआ है, आपका भी बना हुआ है। अब हम लगाएंगे जी इसके पीछे ग्लू, और ग्लू लगाने के बाद हम अपने चूहे की कंप्लीट डेकोरेशन करने वाले हैं जी। हमने इसकी नोज पे ये लगा दिया, ओ माय गॉड, माय चूहा इज सो क्यूट, ऑलराइट, वेरी नाइस। कितना छोटा सा है, इसकी आप कैप भी बना सकते हैं, देखो चूहा जी। ऑलराइट, ये बहुत आसान है, और बनाना भी बहुत आसान है, और उसके काटने और इन सब चीज़ों का काम भी बहुत आसान है। तो आई होप कि आप ये सब घर में ट्राई करेंगे। जितने पेरेंट्स अभी तक हमको देख रहे हैं, तो अपने बच्चों के लिए इस तरह की छोटी छोटी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए अरेंज ज़रूर किया करें, देखिए उससे उनके अंदर की क्रिएटिविटी जागती है। एनीवे जी, दिस इज़ आवर चूहा, ये मेरा चूहा है, वो अनम का चूहा है, टॉम एंड जेरी वाला चूहा, और मेरे बच्चे का नाम बहुत मुश्किल था, अर्शिया, क्या, अंशरा, वो अंशरा का चूहा है जी। तो हमारे चूहे रेडी हैं, इसी बात पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, एंड विल बी राइट बैक। अब एंजॉय करो मोर से ज्यादा डेटा या नॉनस्टॉप कॉलिंग, क्योंकि इजी कार्ड मेगा प्लस दे रहा है कम में मोर से ज्यादा फायदा। सिर्फ 300 रुपए के लोड में 24,000 MBs, 5,000 टेलीनॉर मिनट्स, PTCL मिनट्स और 100 अदर नेटवर्क मिनट्स भी, वो भी हफ्ते भर के लिए। है ना, कम में मोर से ज्यादा डेटा का फायदा।
वेलकम बैक। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद जब हम दोबारा हाजिर हुए हैं तो हम आपको एक ऐसे टैलेंटेड बच्चे से मिलवाने जा रहे हैं, बच्ची से इनफैक्ट मिलवाने जा रहे हैं, जो एज में बहुत छोटी हैं लेकिन उनके बड़े बड़े काम हैं और अभी भी वो जो काम कर रही हैं, हम तो सोचते ही नहीं कि उस एज में आके कोई वो काम कर रहा हो। हम तो उनको कहते हैं बल्कि बेटा नहीं नहीं आके पास नहीं जाना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, छुरी नहीं उठाना, ऐसा नहीं करना, लेकिन ये सारी बातों के बहुत आगे वो जा चुकी हैं। 10 साल की उनकी एज है और इस एज में वो एक शेफ बन चुकी हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना उनकी जीन्स का भी, क्योंकि उनको मदर की तरफ से भी आया, उनकी मदर भी जो है वो शेफ हैं और हमारे पास मंतशा शाहिद मौजूद हैं जो कि शेफ हैं। हेलो मंतशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंतशा आप 10 ईयर ओल्ड हो? जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ, ये तुम्हारी एक चीज बहुत फेमस है क्योंकि तुम्हारा थोड़ा मिलिट्री से बैकग्राउंड है, तो तुम्हारी फोर्सेस कढ़ाई जो है वो बहुत फेमस है, रजिस्टर्ड है, तो ये फोर्सेस कढ़ाई क्या चीज़ है मंतशा? ये फौजी कढ़ाई वो है, हमारे जो चाचा होते हैं वो हमारे लिए बनाते हैं, तो वो मैंने उसमें कुछ अपने मसाले डाल के कुछ चेंज करके उसका अपना नाम दिया है। अपने मसाले डाल के अपना, मतलब मैं मुझे याद है जब हम 10 साल के थे तो मसालों के तो नाम भी नहीं आते थे, तो मसाले कैलकुलेट करके डालना तो बहुत बड़ी बात। मंतशा आप कब से कर रहे हो सब कुछ? मैं जब 4 इयर्स की थी तब मैंने अपना पहला सैंडविच बनाया था। मामा से कोई हेल्प ले रही थी? मामा साथ ही खड़ी हुई थी क्योंकि तब मैं छोटी थी ना काफी। ओके। लेकिन अब क्या होता है, अब मामा को तुम रेसिपीज बता रही होती हो, मामा तुम्हें रेसिपीज बता रही होती? दोनों एक दूसरे को। आज क्या बना रही हो मंतशा? मैं आज बना रही हूँ कॉफी डिजर्ट। कॉफी डिजर्ट, अच्छा वैसे कॉफी का सीजन भी है, हम लोग इतनी कॉफी पी रहे हैं, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, हॉट चॉकलेट, तो कॉफी डिजर्ट बन रहा है भाई आज। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है मंतशा, जल्दी से बता दो। मैंने लिए कॉफी और आप दूध में जैसे वाइट मिठाइयाँ होती हैं या फिर आप बर्फी, पेड़ा जी की बात कर रही हूँ, या फिर आप कंडेंस मिल्क और मिल्क भी मिला के यूज कर सकते हैं। और मैंने लिए यहाँ व्हिपिंग क्रीम। अच्छा ठीक है, आप नॉर्मल क्रीम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब तुम क्या करने वाली हो जल्दी जल्दी बताओ हमें। इसको कॉफी से प्योर उसके बिस्किट्स के ऊपर डाल दूंगी। उन्होंने कॉफी घोल के रखी हुई है और वो उसको उसके ऊपर ऐड कर रही हैं। सही, अब क्या करने वाली है मंतशा? अब मैंने जो ये मिक्सचर बनाया था मिल्क और उस कंडेंस मिल्क का, जी तो वो अब हम कितना गाढ़ा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ज्यादा थिक चाहिए, और इसके अलावा आप चॉकलेट मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। क्या बात है भाई, ये तो बड़ी कोई रिच किस्म की चीज बन रही है। अल्लाह मुझे तो दूर से इतना यमी लगना शुरू हो गया, मैं एक्चुअली फील कर रही हूँ कि इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। इसमें कॉफ़ी है, इसमें कुकीज़ है, इसमें कंडेंस मिल्क आ गया और अब इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम जो है उसकी ड्रेसिंग होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करने वाली है मंतशा? हम व्हिप क्रीम डालेंगे, साइड साइड पे डालेंगे थोड़ी थोड़ी ताकि ये मिक्स हो जाए आराम से। अच्छा अभी हमें इसको मिक्स करना है? नहीं नहीं, इसको स्प्रेड कर देंगे ऊपर ऊपर, सिर्फ एक स्प्रेड करके एक स्मूथ लेयर बनानी है इसकी। जी ठीक है जी, देखते हैं क्या बनने वाला है यहाँ पर। अच्छा जी, मंतशा की डिश जो है कॉफी डिजर्ट उनका रेडी हो चुका है। मंतशा थोड़ी शक्ल दिखाओ। हाँ, और इसके ऊपर आपने थोड़ी सी कॉफी की गार्निशिंग स्प्रिंकल की है ना? राइट, तो इससे तो बड़ा अच्छा और रिच फ्लेवर आएगा। अच्छा मुझे बताओ कि अब इसको डिश आउट कैसे करते हैं? आप बना के फ्रिज में रख दें, वो ठंडा ठंडा आइसक्रीम की तरह बन जाएगा। ओह माय गॉड, सीरियसली? आइसक्रीम केक्स नहीं होते, वैसे टेस्ट आएगा उसका। नम नम नम, आइसक्रीम केक। सब भाई मंतशा के लिए क्लैपिंग करें। चलिए भाई, इसी चीज के साथ मंतशा थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। अभी मैं खा के भी देखूंगी ब्रेक में, लेकिन उससे पहले हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें हम बच्चों को कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज जिस चीज के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वो है जी, कभी किसी ने लफ्ज सुने, अर्थक्वेक, जलजले के झटके लगते हैं। तो जलजला क्या होता है? ये असल में हमारी जो ज़मीन है और उसके साथ पानी, जो ओशन है, उनके बीच में समझो कुछ जैसे वो अंगड़ाई लेते हैं, कुछ प्लेटें होती है उनके बीच में, वो यूं करते हैं पिकू, वो यूं करते हैं तो फिर हमारी ज़मीन जो है वो यूं हिलती है। पता है आपको, जब वो यूं हिलती है तो हम उसको कहते हैं जलजला। कभी कभी हल्के हल्के भी होते हैं, हमें पता नहीं चलते। आपको पता है एक साल में
तकरीबन 5 लाख के करीब जलजले आते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन उन 5 लाख लेकिन उन 5 लाख में से सिर्फ 1 लाख तक जो है हमको फील होते हैं, 1 लाख तक लगता है कि हाँ कुछ जलजला है, और जो बहुत खतरनाक वाले जलजले होते हैं वो उसमें सिर्फ 5 या 6 होते हैं। हाँ, जिसमें कहते हैं ना कि चीजें टूट जाना, बिल्डिंग गिर जाना या सड़कें टूट जाना, तो वो जो होता है वो बड़े खतरनाक किस्म के जलजलों में होता है। और सबसे खतरनाक जलजला जो आया था वो एक दफा US में शिकागो में आया था, 9.2 मैग्नीट्यूड का, अच्छा खासा हैवी जलजला था। आज मैं आपको बताती हूँ कि जलजले में हमको क्या करना चाहिए। अगर आपको लगे कि जमीन हिल रही है, पंखा हिल रहा है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अब पीकू तुम खड़े हो जाओ, पीकू को पीकू से समझाती हूँ मैं क्या करूँ। तुम बिल्ली की तरह गिर जाओ, बिल्ली की तरह, हाँ बिल्ली बन जाओ। इसको हम कहते हैं ड्रॉप, ड्रॉप पोजिशन। सबसे पहले आपको ड्रॉप होना होता है, अगर जमीन हिल रही है तो सबसे पहले आप ड्रॉप हो जाओ। और फिर उसके बाद आप कोई आप अपना हाथ अपने हाथों से अपने सर को और अपनी गर्दन को कवर कर लो, समझ में आया? और अगर कोई मजबूत टेबल पास है तो उसके नीचे जाओ, उसके नीचे चले जाओ ताकि कोई चीज ऊपर गिर ना जाए, और गिरे भी तो टेबल पे गिरे, आप लोगों पे नहीं गिरे, सही? अगर टेबल शीशे की हो तो? मैंने मजबूत टेबल का, सॉरी। ठीक है, तो ये हमें ख्याल रखना है कि हम अगर आप ऐसी किसी बिल्डिंग में हो, जैसे देखो आपके पीछे एक बिल्डिंग है ना, देखो आप ऊपर किसी फ्लोर पे हो, तो फिर पता है इसको क्या कहते हैं? इस जलजले के वक्त आप उस बिल्डिंग से बाहर आके नीचे सड़क पे खड़े हो जाओ। अगर आप ऐसा कर सकते, भागते नहीं हम जलजले में, हम जलजले में आराम आराम से चलकर एक बाहर खुले मैदान में आके खड़े हो जाते हैं या सड़क पे आके खड़े हो जाते हैं। ओके, ठीक है, ताकि कोई चीज गिरे या खुदा ना खास्ता घर की भी कोई चीज गिरे या छत पे से कुछ गिरे तो आप सेफ हो, आप बचे हुए हो, आपको कुछ नहीं हो। ठीक है, जलजले के झटके कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा जलजले के झटकों का आफ्टर शॉक भी आता है, हाँ, जो कि 24 से 72 घंटों के दरमियान हो सकता है। हाँ, वो आफ्टर शॉक भी उतना ही खतरनाक होता है। उस आफ्टर शॉक के लिए भी आपको सबसे पहले वही ड्रॉप पोजीशन, वही प्रोटेक्टिव पोजीशन, ये आपको उसके लिए भी आपको यही करना है। और अगर आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही तो आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बाहर किसी सड़क पे आके खड़े हो जाओ, बाहर खुले मैदान में आके खड़े हो जाओ जहाँ पे दूर दूर तक आपके ऊपर कुछ गिरे नहीं। ठीक है, समझ गए? ठीक है, यस। एनीवे जी, हम पीकू को जलजले के झटके देने देते हैं, छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, विल बी राइट बैक। सिर्फ 300 रुपए के लोड में 24,000 MBs, 5,000 टेलीनॉम मिनट्स, PTCL मिनट्स और 100 अदर नेटवर्क मिनट्स भी। मिले हैं और इस बार हम अपने फेवरेट सेगमेंट में मिले हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में मुझे बच्चों के साथ बैठने का मौका मिलता है और मेरे अंदर से भी एक बच्चा जाग रहा होता है। और हम यहाँ पे आपको बताते हैं, इस वक्त जो बच्चे हमें देख भी रहे हैं या जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको स्टोरीज बताते हैं, कोई ना कोई अच्छी स्टोरी बताते हैं जिसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई हम सबक उस कहानी से सीखते हैं। तो आज मुझे बताओ बच्चों, तुम लोगों ने खरगोश की और कछुए की रेस वाली कहानी तो सुनी होगी ना? yes. है? Yes, पता yes. है ना सबको खरगोश और कछुए के साथ क्या हुआ था? अब जो मैं आपको इसकी फॉर्म बता रही हूँ वो इसका दूसरी किस्त नहीं होती, इसकी दूसरी किस्त, ड्रामो की दूसरी किस्त होती है ना, तो समझे ये इसकी दूसरी किस्त है। ये इब्ने इंशा साहब ने, हाँ, सीजन 2, ये इसका सीजन 2 है चैलेंज। अब सीजन 2 में क्या हुआ कि दोबारा से एक खरगोश और एक कछुआ मिले। अब क्या हुआ, कछुए को तो याद था क्या उसने शानदार जो है वो फतह हासिल की थी पिछली दफा और कितना आसान था उसके लिए सब कुछ करना, और खरगोश तो बेवकूफ है फिर सो जाएगा, तो उसने फिर जो है शर्त लगाई खरगोश से कि अब हम एक रेस दोबारा करेंगे।
अब क्या हुआ, वो एक रेस दोबारा उन्होंने सोचा तो खरगोश को पुराना वाला जो था ना सबक अपना याद था। उसने कहा कि मैं इस बार ना बड़ा ख्याल रखूंगा इस चीज का, और मैं इस बार सोऊंगा नहीं, और इस बार मैं तेजी से भाग भाग के फिनिश लाइन पे पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह खरगोश ने सोचा, और कछुआ जो था वो इस वक्त कछुआ मगरूर हो गया था। कछुए ने कहा कि इसने तो फिर सो जाना है, मैंने फिर जीत जाना है। तो जी हुआ ये, अब क्योंकि वो ओवर स्मार्ट बन रहा था कछुआ, तो अब सुनो क्या हुआ, रेस शुरू हुई, कछुआ वही आराम से टिंग 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 चलता हुआ, और खरगोश वही भाग गया। अब उसने ये सोचा कि अभी आगे जाके ये फिर किसी दरख्त के नीचे सो जाएगा, हैं मैंने जाके फिर जीत लेना है। फिर क्या हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता करके आगे तक गया, और उसने कहा एक काम करते हैं, खरगोश भी सोएगा तो थोड़ी देर मैं भी सो ही लेता हूँ, क्योंकि उसने तो एनी वे हार ही जाना है लास्ट टाइम की तरह। तो अब क्या हुआ, इस कहानी में इस बार कछुआ सो गया। जब वो सो गया तो वो ख्वाब में देख रहा है कि सब ने उसको जंगल का बादशाह बना दिया है, और सब आके उसकी खिदमत कर रहे हैं, उसका ख्याल कर रहे हैं। तो बड़ा खुश हुआ, कहता है हाँ काश ऐसा ही हो, और खरगोश तो हार ही जाएगा, मैं तो हमेशा से अकलमंद और हमेशा से जो हूँ मैं जीतने वाला हूँ और जीतता ही रहूँगा। जबकि आपको पता है जिंदगी में हमें ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए, लेकिन खरगोश ने, लेकिन कछुए ने ऐसा सोचा। अब क्या हुआ, सोते सोते उसकी आँख खुली, तो उसने कहा कि ओ क्या अब चलना चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, दोबारा सो जाता हूँ, अभी भी कहाँ खरगोश सो ही रहा होगा। वो फिर सो गया। इस तरह सोते सोते कछुए को सालों गुजर गए, कछुआ सालों तक सोता रहा, उसको पता ही नहीं चला। फिर क्या हुआ, सालों बाद जब कछुए की आँख खुली तो उसने कहा पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, चलो अब मैं चलता हूँ फिनिश लाइन की तरफ। अब कछुआ जो है वो आराम से ठमक ठमक करता वह फिनिश लाइन की तरफ पहुँचा। जब वो पहुँचा तो उसने देखा खरगोशवा नहीं है, तो उसने कहा देखा मुझे पता था मैंने ही जीत जाना है, वो खरगोश पहुँच चुका होता तो वहाँ पर होता, तो खरगोश तो वहाँ है ही नहीं। लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि उसने कितने साल जिंदगी के सोते सोते गुजार दिए। कछुए की, एक कछुए की जो जिंदगी होती है वो कोई 100 साल की होती है, तो उसने बहुत सारे साल जो है वो सोते में गुजार दिए। अब पता, अब उसने क्या किया कि अच्छा लेकिन खरगोश है कहाँ, मैं किसको बुलाऊं। अब उन्होंने शर्त ये लगाई थी कि जो हार जाएगा हम उसके कान काटेंगे, चाहे वो खरगोश हो या चाहे वो कछुआ हो। अब क्या हुआ, उसने कहा कि अब मैं जरा खरगोश के कान काटूंगा, खरगोश किधर है मुझे नजर नहीं आ रहा। दूर से उसे एक छोटा खरगोश नजर आया, उसने कहा कि वो खरगोश कहाँ है। तो कहते आप मेरे अब्बा जी का पूछ रहे हैं, तो कहते जी जी आपके अब्बा जी का पूछ रहा हूँ, समझ कहते के आपके अब्बा जी का पूछ रहा हूँ। तो कहते हाँ नहीं नहीं अब्बा जी तो अब नहीं है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं, और अब्बा जी जो है वो एक नसीहत करके गए थे कि यहाँ पे जब भी कछुआ पहुंचे तो उसके कान काट ले। तो यहाँ पे ओवर स्मार्ट कछुआ जो है वो फंस गया, क्योंकि उसको उसके फादर ने नसीहत की थी। फादर कौन थे, पुराने वाले खरगोश। हाँ उन्होंने नसीहत की थी कि आप जैसी कछुआ जब भी पहुँचेगा जितने भी सालों में पहुँचेगा उसके कान काट लेना। और इसका नतीजा ये हुआ कि अभी तक कछुआ जो है अपने शेल के अंदर अपना सर छुपाए फिर रहा है, क्योंकि वो बाहर निकालेगा तो खरगोश उसके कान काट लेंगे। तो इस कहानी का लेसन ये हुआ कि कभी भी अपनी कामयाबी पे गरूर नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी भी नहीं करना चाहिए। सब बच्चे अपने अपने गिफ्ट्स ले ले भीकू अंकल से, और यहाँ पे सब बच्चे अल्लाह हाफिज करें सबको, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।